क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी कि जो आपके एंगल्स के जो वैल्यू थे ना उनको रखे बिना सारणी का प्रयोग नहीं करना। चलिए देखते हैं, सिंपल है यार, देखो ये दोनों एक दूसरे का पूरा किसी एक को बदल दो, साइन स्क्वायर 90-20 हो जाएगा, 90-20 प्लस में कॉस स्क्वायर 70, नीचे एक दूसरे का पूरा किसी एक को बदल दो, साइन स्क्वायर 59 स्क्वायर से रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 90-31। चलिए और प्लस यहाँ देखो ये दोनों एक दूसरे का पूरक देख रहे हैं, किसी एक को बदलो, साइन 35 इंटू में सेक को बदलेंगे तो हो जाएगा कॉसेक 90-55। चलिए यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 59 और प्लस में कॉस स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री और इंटू में कॉसेक 35 डिग्री। तो देखो ये इसका भी वैल्यू 1, नीचे भी वैल्यू 1 और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी 1, तो 1/1 और 1+1 2 जो कि आपका वैल्यू आ गया। समझ गया, चलते हैं अगले इसके क्वेश्चन पे। चलिए अगला